देखो ध्यान दो, कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित की प्रश्नावली 10 है व्रत, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से समझे। आज के इस क्लास में हम इसका बेसिक करेंगे, अगर बेसिक आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको पूरी प्रश्नावली आसानी से समझ में आ जाएगी। बेटा प्रश्नावली 9 तक हमने पहले अच्छी तरह से समझ लिया है, आज आप इसको भी ध्यान से समझे। तो आज की इस क्लास में हम इसका बेसिक करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ व्रत के बारे में, ठीक है ना। बहुत सारी बातें तो आप पहले जानते हो, फिर भी देखो ध्यान लगाओ। अगर मैंने यहाँ पर देखो ये ऐसी आकृति ये बनाई, तो ये क्या है आपका व्रत है, क्या है? अब बेटा प्रकार से बनेगी, तो जिस बिंदु पर प्रकार को रखे ये बनाते हो ना, उस बिंदु को कहते हैं व्रत का केंद्र। क्या कहते हैं? और कहां से लिखते हैं? ओ से। कहां से दर्शाते हैं? अब देखो ये जो बाउंड्री बनी इसकी, ये बाउंड्री, इस बाउंड्री को कहते हैं व्रत की परिधि। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं भाई इसको, चारों ओर की जो ये लाइन है ना ये, इसे कहते हैं व्रत की परिधि। अब देखो बेटा इसके अंदर का जो ये एरिया है कंप्लीट, ये पूरा भाग, ये जहां पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये इसे कहते हैं व्रत का क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? व्रत का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो ध्यान लगाओ, ये केंद्र है, केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है, केंद्र से परिधि तक की दूरी, इसे कहते हैं व्रत की त्रिज्या। क्या कहते हैं? और इसे आर से दर्शाते हैं भाई, कैसे दर्शाते हैं? अब देखो बेटा ये देखो, ये तो है व्रत, ये इसका केंद्र है, ये परिधि तक की दूरी क्या है? त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या। अगर इस त्रिज्या का डबल कर दे, त्रिज्या का क्या कर दे? डबल, मतलब एक और त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की, तो अगर त्रिज्या का डबल कर दे तो ये बन जाता है व्यास। क्या बन जाता है? व्यास। और व्यास को लिखते हैं डी से, कैसे लिखते हैं? तो देखो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना। और जो त्रिज्या होती है ना वो व्यास की आधी होती है, व्यास की क्या होती है? आधी होती है। तो देखो ये लाइन देखो, ये जो लाइन है वो केंद्र से गुजर रही है और परिधि को देखो दो जगह टच कर रही है, कर रही है ना, तो ऐसी ऐसी ये लाइन जो केंद्र से गुजरे और परिधि को दो जगह से टच करे व्रत का क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? अब देखो ये व्रत है, अगर बेटा इसमें मैंने ये केंद्र है यहाँ पर ये एक लाइन बनाई ऐसे जो परिधि को दो जगह टच करेगी, तो इस लाइन को कहते हैं व्रत की जीवा। क्या कहते हैं? जीवा। व्रत की क्या कहते हैं भाई? जीवा, जीवा कहते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो व्यास है देखो इसकी तरह ही है, इसकी तरह ही है ना, तो ये जो व्यास है ये भी एक तरह से क्या है? जीवा ही है। क्या है? जीवा। ये व्रत की सबसे बड़ी जीवा है, तो बताओ व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्रत का क्या होता है? व्यास। व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्रत का क्या होगी? व्यास होगी। आगे बात समझ में? अब देखो ध्यान लगाओ इधर, देखो ये आकृति मैंने बनाई, ये क्या है? व्रत। क्या है? अब ये इसका केंद्र है, अब बेटा जो व्रत के अंदर का भाग है ना, इस अंदर के भाग को कहते हैं अभियंतर। क्या कहते हैं? व्रत के अंदर अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? अभियंतर। अब मैं पूछूं तुमसे कि व्रत का केंद्र व्रत के कौन से भाग में स्थित है, तो अभियंतर में, कौन से भाग में? और इस व्रत के बाहर का जो भाग है, बाहर का भाग, उसे कहते हैं बहिर्भाग। क्या कहते हैं? बहिर्भाग कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? बहिर्भाग। व्रत के बाहर जो भाग है उसको क्या कहते हैं? अब देखो अगर ऐसे आ जाए, उस वो बिंदु कहाँ स्थित होगा जिसकी दूरी त्रिज्या से ज्यादा हो। देखो ये तो है त्रिज्या और त्रिज्या से दूरी मान लो ये ज्यादा है, तो बताओ ये बिंदु कहाँ आएगा? बहिर्भाग। वह बिंदु कहाँ स्थित है जिसकी दूरी त्रिज्या से ज्यादा है? कौन से भाग में? बहिर्भाग। कौन से भाग में? बहिर्भाग। आए समझ में आ रहा है? चलो भाई आगे देखो, ये बाउंड्री तो क्या हो गई? परिधि। ये कंप्लीट एरिया क्या हो गया? क्षेत्रफल। ये क्या हो गया? केंद्र। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, त्रिज्या का डबल करे तो व्यास, और ये वाली लाइन जीवा। व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्रत का क्या होता है? व्यास। आगे समझ में? अब देखो बेटा अगर मैं ये लाइन, ये पूरी पूरी बाउंड्री को तो क्या कहते हैं? परिधि। क्या कहते हैं?
लेकिन अगर मुझे केवल इस बाउंड्री का ये वाला भाग या ये वाला भाग ही लेना है, या तो लेना ये वाला भाग या लेना है ये वाला भाग, तो इस टुकड़े को कहते हैं वर्त का चाप। क्या कहते हैं? वर्त का चाप। अब देखो बेटा, अगर ये चाप केंद्र पर 180 डिग्री से छोटा कोण बनाता है, 180 डिग्री से क्या बनाता है? छोटा कोण, तो इसे कहते हैं लघु चाप। क्या कहते हैं? और यही चाप अगर केंद्र पर 180 डिग्री से बड़ा कोण बनाता है, 180 डिग्री से क्या बनाता है, तो उसे कहते हैं दीर्घ चाप। क्या कहते हैं? दीर्घ चाप। जो चाप केंद्र पर 180 डिग्री से छोटा कोण बनाएगा उसे क्या कहेंगे? लघु चाप। और जो 180 डिग्री से बड़ा कोण बनाएगा उसे कहेंगे? दीर्घ चाप कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? दीर्घ चाप। आगे देखो, ध्यान लगाओ। अभी देखो यहां पर ये है वर्त, है ना, और ये वर्त का क्या है? केंद्र। और ये वर्त की क्या है? त्रिज्या। ये भी वर्त की क्या है? त्रिज्या। ये भी है त्रिज्या, ये भी है त्रिज्या। और ये क्या है? चाप। क्या है? चाप। तो दो त्रिज्याओं और एक चाप से जो ये आकृति बनी, इस आकृति को कहते हैं त्रिज्य खंड। क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड। क्या कहते हैं भाई? अब देखो, अगर ये त्रिज्य खंड केंद्र पर 180 डिग्री से छोटा कोण बनाता है, 180 डिग्री से क्या बनाता है, तो इसे कहते हैं लघु त्रिज्य खंड। क्या कहते हैं? लघु त्रिज्य। और देखो इधर, देखो इधर ये वाला, देखो ये क्या है? त्रिज्या। ये क्या है? त्रिज्या। और ये क्या है? चाप। तो इधर ये वाला जो भाग है वो भी क्या है? त्रिज्य खंड ही है। क्या है? लेकिन ये वाला जो त्रिज्य खंड है वो 180 डिग्री से अधिक कोण बना रहा है, 180 डिग्री से क्या बना रहा है, इसलिए इसे कहते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या कहते हैं? दीर्घ त्रिज्य खंड। आगे त्रिज्य खंड समझ में। अब अगला देखो, ये क्या है? वर्त। क्या है? और ये केंद्र है। और ये वर्त की क्या है? जीवा। ये वर्त की क्या है? जीवा। वर्त की जीवा वर्त को कितने भागों में बांट रही है? दो। अब ये वाला जो भाग है और ये वाला जो भाग है, इस भाग को कहते हैं वर्त खंड। क्या कहते हैं? वर्त खंड कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? तो देखो वर्त खंड कैसे बनेगा, एक तो जीवा और एक चाप, एक तो जीवा और एक चाप से क्या बनता है? अब जो छोटा है उसे कहेंगे लघु, और ये भी वर्तखंडी है क्योंकि ये तो है जीवा, ये क्या है? चाप। इसे कहेंगे दीर्घ वर्तखंड। क्या कहेंगे? दीर्घ वर्त खंड कहेंगे। देखो दो त्रिज्या और एक चाप, इसे तो क्या बनेगा? त्रिज्य खंड। और एक जीवा और एक चाप, इसे क्या बनेगा? वर्तखंड। क्या बनेगा? आगे समझ में। अब देखो आगे एक और देखो। अब देखो अगर मान लो ये कोई समतल जगह है, तो समतल जगह पर अगर हम वर्त रख दे, क्या रख दे, तो बताओ ये वर्त इस समतल जगह को कितने भागों में बांटता है? ये समतल जगह थी, इस समतल जगह पर हमने क्या रख दिया? वर्त। तो इस समतल जगह को वर्त ने कितने भागों में बांट दिया? तीन। कितने भागों में? देखो एक भाग आगे, एक भाग पीछे, एक भाग बीच में, कितने भाग हो गए? तो वर्त किसी भी समतल जगह को कितने भागों में बांटता है? तीन भागों में। कितने भागों में? अब देखो आगे एक और देखो। देखो ये क्या है? वर्त। और ये क्या है? केंद्र। और ये क्या है? व्यास। क्या है? व्यास कहो या सबसे बड़ी जीवा कहो, व्यास है ना। अब देखो ये जो व्यास है तो ये भी बन गया वर्तखंड और ये भी क्या बन गया? लेकिन अगर बेटा व्यास से बढ़ता है तो व्यास देखो बराबर भागों में बांटेगा, दो बराबर भागों में, ये और ये भाग क्या है? बराबर है। क्या है? इसलिए इस वाले भाग को कहते हैं अर्धवर्त। क्या कहते हैं? अर्धवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वर्त का व्यास, वर्त का व्यास और चाप आज जो आकृति बनाता है उस आकृति को क्या कहते हैं? अर्धवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखो एक और देखो, ये जो वर्त है ना वर्त, ये समतलीय आकृति है। कौन सी आकृति है? समतलीय आकृति। अब देखो समतलीय आकृति का मतलब ये होता है कि इसको हम केवल और केवल समतल पर ही बना सकते हैं, समतल पर, मतलब इस आकृति में बिल्कुल भी ऊंचाई नहीं होती है, ये बिल्कुल प्लेन होती है। अब देखो इसका मतलब यूं समझो, जैसे बताओ वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, याद है?
पाई आर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? और एक आकृति और होती है बेलन, क्या होती है? बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है? तो बताओ वर्त के क्षेत्रफल में और बेलन के क्षेत्रफल में फर्क क्या है? ऊंचाई का फर्क है। अगर ऊंचाई आ गई तो आकृति क्या बन जाती है? बेलन। क्या बन जाती है? अगर उनमें बिल्कुल भी ऊंचाई नहीं है तो वो आकृति क्या है? वृत्त। तो वृत्त कौन सी आकृति है? समतलीय आकृति। कौन सी आकृति है? जरा सी भी ऊंचाई आ गई, हल्की सी भी ऊंचाई, तो वो क्या बन जाएगा? जैसे सिक्का देखा है, बताओ सिक्का बेलन है या वृत्त है? बेलन है, क्योंकि सिक्के में ऊंचाई होती है। सिक्के में क्या होती है? अगर सिक्के के केवल ऊपर वाले भाग की बात करें, जैसे भारत होता है या पैसा होता है, तो भारत वाले हिस्से की बात करें ऊपर ऊपर से, तो वो क्या है? वर्त है। और पूरे अगर उसकी बात करें सिक्के की, तो पूरा सिक्का क्या है? बेलन है। क्या है? बेलन। आगे समझ में? तो वर्त कौन सी आकृति है? समतलीय आकृति है। कौन सी आकृति है? तो उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे समझ में? अब प्रश्नावली 10.1 करेंगे ना, तो उसमें सारे काम आएंगे, उसमें बेसिक ही है आपके। पहले इनको उतारो।